बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सदवतन तलहाज चैनल। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बीफ बिरयानी की रेसिपी। आप सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए चिकन या मटन की बिरयानी भी बना सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। बिरयानी की दावतों में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, सब लोगों को बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। जब भी कहीं दावत होती है तो चावलों की कोई ना कोई डिश ज़रूर बनती है, बिरयानी या फिर पुलाव। हर चीज़ का अपना ही टेस्ट होता है, चिकन का अपना टेस्ट है लेकिन बीफ का तो मज़ा ही कुछ और है। अगर आप बना रहे हो चिकन का सालन या फिर मटन का सालन तो साथ बीफ की बिरयानी बना लीजिए, या फिर आप अपोज़िट कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। बीफ बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले लेना है आपने पानी। पानी चावलों का 3 गुना होना चाहिए। 1 kg चावल लेंगे हम, उसके अंदर जाएंगे 1 tablespoon ज़ीरा, 1 teaspoon काली मिर्च, 5 लौंग, 3 तेज़पत्ते, 3 बादाम के फूल, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े, 4 से 5 सब्ज़ इलायची और 3 बड़ी इलायची। इन सबको डालेंगे हम इस डिब्बी के अंदर। आप यहाँ पर मलमल के कपड़ों में डालें या डायरेक्ट डाल दीजिए पानी के अंदर। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को डाल देंगे पानी के अंदर। पानी हमारा तेज़ गर्म है, इसमें नमक जाएगा ज़्यादा क्योंकि पानी को हमने फेंक देना होता है। तो आप डाल दीजिए इसके अंदर 2 से 2.5 चम्मच नमक। नमक डालने के बाद आप पानी को एक बार टेस्ट कर लीजिए, अगर नमक कम लगे तो मज़ीद ऐड कर लीजिए। अब पानी को हम कर लेंगे तेज़ बॉयल। जब पानी बॉयल हो जाएगा तो इसके अंदर डाल देंगे हम चावल। चावल आपने अच्छे क्वालिटी का लेना है। ये हमने 1 kg राइस ले लिए थे और इनको भिगो के रख दिया था। कम से कम आप चावलों को आधे से 1 घंटे के लिए भिगो दीजिए, उसके बाद फिर इनको डाल दीजिए पानी के अंदर। अगर आपके पास टाइम कम हो और आपके चावल भिगोए हुए ना हो तो फिर आप चावलों को गर्म पानी के अंदर भिगो दीजिए। अब चावलों को इतनी देर बॉयल करना है जितनी देर में ये 95% कुक हो जाए। ये देखिए चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपने इनको चेक कर लेना है कि इनके अंदर 1 कनी बाकी रहनी चाहिए। आपने चावलों को फुल कुक नहीं करना, अगर आप चावलों को पूरा पका देंगे तो फिर ये घुट जाएंगे। तो आपने बस 1 कनी इसके अंदर छोड़ देनी है, इसको चेक कर लेना है। आप देख सकते हैं हमारे चावल कैसे खिले खिले तैयार हो चुके हैं। अच्छा चावल ऐसे ही बड़ा बड़ा लंबा लंबा बनता है। इसके बाद फ्लेम ऑफ करके चावलों को छान लेंगे और ठंडा पानी डाल के चावलों को छान लेंगे। अब हम बढ़ते हैं कौरमे की तरफ। कौरमा तैयार करने के लिए ले लेना है आपने एक कुकर और उसमें डाल देना है 1 कप ऑयल। फिर इसमें डाल देना है 1 किलो बीफ। हम इसमें आलू भी डालेंगे इसलिए हमने 1 किलो बीफ लिया है, आप ज़्यादा बीफ भी ले सकते हैं। अब ऑयल के अंदर हम फ्राई कर लेंगे बीफ को इतनी देर के लिए जितनी देर में इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। आप देख सकते हैं कि कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। जब सारे के सारे बीफ का कलर ऐसा हो जाए तो फिर आपने इसके अंदर डाल देना है जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा इसके अंदर 2 टेबलस्पून भरकर। अब जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ आपने फ्राई कर लेना है बीफ को इतनी देर जितनी देर में ये हाफ कुक हो जाए, चाहे आप कुकर बंद करके इसको गला लीजिए। बीफ को आपने गलने रख देना है और मीनवाइल आपने नेक्स्ट स्टेप की तैयारी कर लेनी है। उसके लिए आपने ले लेना है कढ़ाई के अंदर ऑयल और उसके अंदर डाल देनी है 2 बड़े साइज़ की प्याज कट करके। प्याजों को करना है आपने फ्राई इतनी देर के लिए जितनी देर में इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और प्याजों को निकाल लेना है। इसमें से आधी प्याज आएगी कौरमे के अंदर और बाकी के हम रख देंगे एंड के लिए। कौरमे के लिए तैयार करना है आपने एक पेस्ट। उस पेस्ट के लिए आपने एक ग्राइंडर लेना है, उसमें डाल देनी है दही 1 कप और दही के अंदर डाल देनी है 1 ब्राउन प्याज और उनका एक पेस्ट तैयार कर लेना है। कौरमे के लिए पेस्ट तैयार हो चुका है, अब हम चलते हैं कौरमे की तरफ। बीफ हमारा आधा गल चुका है, अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1 टेबलस्पून नमक, 1.5 से 2 टेबलस्पून जाएगा इसके अंदर धनिया पाउडर। आप इंग्रेडिएंट्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, जितनी आपको स्पाइसेस नमक पसंद है उतना डाल लीजिए। गरम मसाला पाउडर जाएगा इसके अंदर 1.5 चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा जाएगा इसके अंदर 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर इसमें जाएगा 1 से 1.5 टेबलस्पून, इसके अलावा इसमें जाएगा इलायची पाउडर और जायफल जावित्री पाउडर, तीनों को मिला के 1 टीस्पून। आलू बुखारा डालना है आपने 7 से 8। अब इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है और मसालों को 5 मिनट के लिए भून लेना है। 5 मिनट बाद आपने इसके अंदर डाल देना है अनियन और योगर्ट का पेस्ट।
इसके अलावा इसमें डाल देने हैं 2 बड़े साइज़ के आलू, उनको कट कर लेना है और फिर इसके अंदर डाल देना है। अब इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है और इनको पका लेना है 5 मिनट के लिए। इसके बाद आपने इसमें डाल देनी है सब्ज़ मिर्चें, 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें आप इसके अंदर साबुत डाल दीजिए। कोरमे का लास्ट स्टेप है आलू और गोश्त को अच्छे तरीके से गला लेना। उसके लिए हम कुकर बंद कर देंगे और इसको गला लेंगे इतनी देर में जितने देर में ये अच्छे तरीके से गल जाए। बीच में आपने चेक कर लेना, अगर पानी या ग्रेवी कम हो जाए तो फिर आपने इसमें पानी ऐड कर देना है। कोरमा हमारा तैयार हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं। हमने इसको चेक कर लिया, इसका जो बीफ है वो भी अच्छे से गल चुका है, आलू भी अच्छे से गल चुके हैं। आपने भी ऐसे ही तैयार कर लेना है, आपने बहुत ज़्यादा देर के लिए इसको नहीं रख देना क्योंकि इसके अंदर हमने आलू भी डाले हैं और अगर आपने इसको ज़्यादा देर कुक कर दिया तो फिर आलू जो है वो हलवा बन जाएंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो कि लास्ट स्टेप है। आपने एक बड़े साइज़ का बर्तन लेना है और उसके अंदर डाल देने हैं चावल। पहले आपने थोड़े से चावल डालने, अगर तो आपके चावल ठंडे हैं, आपने फ्रिज में रख दिए हैं या ठंडे हैं तो फिर आपने इसके अंदर थोड़ी सी ग्रेवी डालनी है और पानी ऐड कर देना तकरीबन 1/2 कप। अगर तो आपके चावल गर्म हैं तो फिर आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। और फिर आपने डाल देना है सारा का सारा कोरमा और बाकी के चावल जो बच गए हैं। हमारे चावल ठंडे थे तो इसलिए हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया है। आप इसके अंदर डाल देना है इसके अंदर 2 टेबलस्पून लेमन जूस। इसके बाद इसमें जाएगी 1 ब्राउन प्याज, 2 टमाटर, पुदीने के पत्ते, 3 लीमू और 3 से 4 हरी मिर्चें। इसके बाद डाल देना आपने ऑरेंज फूड कलर, इसमें 1/4 टीस्पून आपने कलर लेना है और उसको पानी में घोल के इसके ऊपर डाल देना है एक साइड में और थोड़े से चावलों में फूड कलर को मिक्स कर देना है। आप चाहें तो बिरयानी की जब लेयरिंग कर रहे हों तो हर लेयर के अंदर ये पुदीने के पत्ते, टमाटर, मिर्ची डाल सकते हैं। हमने बिल्कुल टॉप पे डालेंगे और आप देख सकते हैं इससे कितनी ही खूबसूरती ऐड हो चुकी है। ऑरेंज फूड कलर से जो आप देखते हैं चावल जो बाज़ारों में मिलते हैं, रेस्टोरेंट्स में मिलते हैं या देख के चावल होते हैं, बिल्कुल वैसा कलर आएगा। येलो फूड कलर थोड़ा लाइट हो जाता है। तो आप कभी कभी जब चावल बनाएं तो उसके अंदर डाल दें ऑरेंज फूड कलर, कभी कभी डाल दें येलो फूड कलर। अब लास्ट में हम इसके ऊपर डालेंगे घी 1/4 कप। अब हमने सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं, अब हमने कोई और इंग्रेडिएंट नहीं डालना है। लास्ट स्टेप ये है कि हम इसको ढक देंगे। कवर करने के बाद हम इसको पकाएंगे 5 से 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम के ऊपर। जब अच्छे तरीके से स्टीम क्रिएट हो जाएगी, अच्छे से धुआं अंदर आ जाएगा तो फिर हम इसको देंगे दम। अच्छे से स्टीम क्रिएट होने के बाद आपने दम पे रखना है इसको लो फ्लेम के ऊपर 10 से 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो चुके हैं, अब आप हमारी बिरयानी की कंडीशन देख सकते हैं। तो लीजिए हमारी बेहतरीन सी बीफ बिरयानी तैयार है। आप बिरयानी का कलर भी चेक कर सकते हैं कि कितना ही खूबसूरत है। ये बात याद रखिएगा कि सारी की सारी बिरयानी का एक कलर नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि हमारे 1/2 चावल वाइट कलर के हैं, उसमें से कुछ चावल डार्क ऑरेंज कलर के हैं, कुछ में येलो कलर भी आ रहा है। आपकी बिरयानी भी ऐसे ही बेहतरीन सी कलरफुल तैयार होनी चाहिए। अब कर लेंगे हम बिरयानी को सर्व। इसके साथ हमने तैयार कर लिया है रायता और सलाद। तो हमारी बिरयानी तो तैयार है, आप हमारी ये बिरयानी की रेसिपी कब ट्राई कर रहे हैं? जल्दी से जाएं और हमारे ये बिरयानी की रेसिपी ट्राई करें और अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए कि आपको कैसी लगी। जैसे भी आपकी बिरयानी बनी हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, शेयर कीजिए और इन दैन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर आप चाहते हैं कि आज स्पेशल कोई रेसिपी आपके लिए तैयार की जाए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम आपके लिए पूरी कोशिश करेंगे कि बेहतरीन सी वीडियो लेकर आएँ। तो फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।